द क्वेश्चन इज ई एंड एफ आर पॉइंट्स ऑन साइड्स पी क्यू एंड पी आर रिस्पेक्टिवली ऑफ ट्रायंगल पी क्यू आर. यहाँ पे पी क्यू और पी आर दो साइड्स हैं ट्रायंगल पी क्यू आर की, जिसपे एक पॉइंट ई और एफ लिया गया है. ई जो है किस पे है, पी क्यू पे है, और एफ जो है पी आर पे है. आगे है, फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग केसेस स्टेट वेदर ई एफ इज पैरेलल टू क्यू आर. तो हमको यहाँ पे क्वेश्चन में अलग अलग कुछ दिए हुए हैं, केसेस दिए हुए हैं, तो हमको फाइंड आउट करना है कि किस केस में ई एफ जो है क्यू आर के पैरेलल है. तो सबसे पहला जो केस है, इसमें पी ई इज इक्वल टू 3.9 सेंटीमीटर गिवन है, ई क्यू जो है 3 सेंटीमीटर गिवन है, पी एफ इट इज 3.6 सेंटीमीटर एंड एफ आर 2.4 सेंटीमीटर. तो हमको इसमें फाइंड करना है कि ई एफ जो है क्यू आर के पैरेलल है या नहीं है. तो इसके लिए हम इसको सॉल्व करने के लिए हम जो थ्योरम अप्लाई करेंगे वो है कन्वर्स ऑफ बी पी टी, यानी कन्वर्स ऑफ बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम. इस थ्योरम के अकॉर्डिंगली किसी भी ट्रायंगल में अगर कोई लाइन दो साइड्स को सेम रेशियो में डिवाइड करती है तो वो लाइन जो है थर्ड साइड के क्या होगी, पैरेलल होगी. तो अगर हमने ये प्रूफ कर दिया कि ई पी सॉरी पी ई अपॉन ई क्यू इज इक्वल टू पी एफ अपॉन एफ आर, तो हम प्रूफ कर सकते हैं कि ई एफ इज पैरेलल टू क्यू आर. तो इसको इस तरह से सॉल्व करेंगे, पहले हम निकालेंगे पी ई अपॉन ई क्यू. सो पी ई अपॉन ई क्यू की वैल्यू निकालेंगे, पी ई की वैल्यू गिवन है 3.9 और ई क्यू है 3. अगर हम इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो अगर डेसिमल हटाना है तो ये 39/30 हो जाएगा. अब इस फ्रैक्शन को हमको इसके सिंपलेस्ट फॉर्म में रखना है. ये ध्यान देना है यहाँ पे कि जो भी हमको फ्रैक्शन मिलती है, जैसे पी ई अपॉन ई पी ई अपॉन ई क्यू जो की जो वैल्यू है, वो जो फ्रैक्शनल फॉर्म होगी उसकी, उसको उसके सिंपलेस्ट फॉर्म में रखना है. तो यहाँ के अगर हम इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो ये हो जाएगा 10 राइट, और ये जाएगा 13, तो 13/10. इसके आगे इसके फर्दर हम इसको सिंप्लीफाई नहीं कर सकते हैं. नेक्स्ट है पी एफ अपॉन एफ आर. पी एफ और एफ आर का भी हम रेशियो निकालेंगे, एफ आर. तो पी एफ की वैल्यू है 3.6 और एफ आर है 2.4. अगर हम डेसिमल हटाते हैं तो 36/24. इसको भी हमको इसके सिंपलेस्ट फॉर्म में रखना है. तो ये 12 से सिंप्लीफाई हो जाएगा, 12 2s and 12 3s, सो इट इज 3/2. तो पी ई अपॉन ई क्यू इज इक्वल टू 13/10 और पी एफ अपॉन एफ आर क्या आ रहा है, 3/2. ये दोनों के आपस हैं आपस में इक्वल नहीं है. तो पी ई अपॉन ई क्यू इज नॉट इक्वल टू पी एफ अपॉन एफ आर, यानी जो ये ई एफ लाइन है ये दोनों साइड्स को सेम रेशियो में डिवाइड नहीं कर रही है. इट मीन्स ई एफ इज नॉट पैरेलल टू क्यू आर. सो हम लिखते हैं हियर इन दिस केस ई एफ इज नॉट पैरेलल टू क्यू आर. तो इसमें जो है ये ई एफ जो है क्यू आर के पैरेलल नहीं है. फर्स्ट वाले केस में दोनों ये लाइंस पी एफ और क्यू आर आपस में पैरेलल नहीं है. ओके, सेकंड केस में पी ई की वैल्यू 4 सेंटीमीटर है, ई क्यू की वैल्यू 4.5 सेंटीमीटर है. इसी तरह से पी एफ 8 सेंटीमीटर गिवन है और एफ आर जो है 9 सेंटीमीटर गिवन है. हम पी ई अपॉन ई क्यू की वैल्यू निकालेंगे, उसके बाद पी एफ अपॉन एफ आर की वैल्यू निकालेंगे, फिर कंपेयर करेंगे कि ये दोनों वैल्यूज अगर इक्वल हैं तो ई एफ इज पैरेलल टू क्यू आर, अगर वैल्यूज इक्वल नहीं है तो ई एफ इज नॉट पैरेलल टू क्यू आर. अब देखिए इसको इस तरह से करेंगे, सबसे पहले पी ई अपॉन ई क्यू की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे. ई क्यू 4/4.5, इसको अगर डेसिमल हटा दिया तो 40/45. इसको हम सिंप्लीफाई करेंगे तो 5 से सिंप्लीफाई जाएगा, 5 8s and 5 9s, तो 8/9. 8/9 जो है इस फ्रैक्शन की सिंपलेस्ट फॉर्म है. इसके फर्दर हम इसको सिंप्लीफिकेशन नहीं कर सकते. कोई भी नंबर जो है 8 और 9 को एक साथ क्या नहीं कर सकता है, डिवाइड नहीं करता है. तो 8/9 इज अ सिंपलेस्ट फॉर्म राइट. अब इसी तरह से हम ई एफ सॉरी पी एफ और एफ आर की भी वैल्यू निकालेंगे. पी एफ बाई एफ आर की वैल्यू एफ आर,
सो इट इज 8/9। तो देखिए ये ऑलरेडी सिंपलेस्ट फॉर्म में है, तो पीई अपॉन ई क्यू इज इक्वल टू पी एफ अपॉन एफ आर हमको यहाँ पे मिल रहा है। हियर पीई अपॉन ई क्यू इज इक्वल टू पी एफ अपॉन एफ आर, कि दोनों की वैल्यू क्या आ रही है 8/9। तो कन्वर्स ऑफ बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम के अकॉर्डिंगली, अगर कोई भी लाइन किसी ट्रायंगल्स के दो साइड को इक्वल प्रोपोर्शन में डिवाइड करती है, इक्वल प्रोपोर्शन मतलब इस साइड में इसका पीई और ई क्यू का रेशियो इज इक्वल टू पी एफ और एफ आर का रेशियो, तो वो साइड जो है थर्ड साइड की क्या होती है, पैरेलल होती है। तो यहां पे ये रेशियोज इक्वल है, तो इट मींस ई एफ इज पैरेलल टू क्यू आर। तो इस केस में ई एफ और क्यू आर क्या है, आपस में पैरेलल लाइन। जो थर्ड केस है उसमें हमको क्या गिवन है, पी ई गिवन है और उसके साथ में पी क्यू की वैल्यू गिवन है। तो अगर हमको पी क्यू और पी ई गिवन है तो हम ई क्यू की वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं। उसी तरह से यहाँ पे पी एफ की वैल्यू गिवन है और उसके साथ साथ हमको पी आर की वैल्यू गिवन है, तो हम एफ आर की वैल्यू भी यहाँ पे निकाल सकते हैं। तो पहले हम क्या निकालेंगे, ई क्यू की वैल्यू निकालेंगे। तो ई क्यू इज इक्वल टू क्या हो जाएगा डायग्राम से, पी क्यू माइनस पी एफ, सॉरी पी ई, पी क्यू माइनस पी ई, पी ई, पी क्यू की वैल्यू है 1.28 और पी ई है 0.18, तो यह यहां से निकलेगा 1.10 सेंटीमीटर, राइट। अब चलते हैं सेकेंड साइड की तरफ, हमको पी एफ मालूम है और पी आर की वैल्यू मालूम है, तो हम एफ आर निकाल सकते हैं। सो फ्रॉम फिगर एफ आर इज इक्वल टू पी आर माइनस पी एफ, तो पी आर की वैल्यू कितनी है, पी आर है 2.56 माइनस पी एफ है 0., एफ आर इज इक्वल टू पी आर माइनस पी एफ, पी आर इज इक्वल 2.56 एंड पी एफ इज इक्वल टू 0.36। तो इसको सॉल्व करेंगे तो यहां से आ जाएगा 2.20 राइट सेंटीमीटर। तो हमको अभी ई क्यू और एफ आर की वैल्यू मिल चुकी है, ई क्यू इज इक्वल टू 1.1 और एफ आर इज इक्वल टू 1.2 सेंटीमीटर। अब हम क्या करेंगे, वैल्यू निकालेंगे पी ई अपॉन ई क्यू की। तो पी ई अपॉन ई क्यू इज इक्वल टू पी ई है आपका 0.18 और ई क्यू हमने निकाला है 1.1। इसको सॉल्व करेंगे अगर तो ये हो जाएगा 18/1 करेक्ट। इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो ये हो जाएगा 9 और ये है 55। इसके फर्दर जो है सिंप्लीफिकेशन नहीं होगा, तो 9/55। नेक्स्ट हम निकालेंगे पी एफ और एफ आर का रेशियो, पी एफ बाई एफ आर, पी एफ की वैल्यू कितनी है 0.36 और एफ आर कितना है वही 2.2। अगर इसको हम डेसिमल्स को हटा देंगे तो 36/220। इसको भी हम सिंप्लीफाई करेंगे पहले 2 से, तो 18 बाय कितना आ रहा है ये 110। अब 18 बाय 110 को सिंप्लीफाई करेंगे तो 9/55। तो दोनों रेशियो सेम आ रहे हैं। सो हियर पी ई अपॉन ई क्यू इज इक्वल टू पी एफ अपॉन एफ आर, जिसकी वैल्यू क्या है 9/55। तो इट मीन्स ये ई एफ जो लाइन है वो क्यू आर क्या है, पैरेलल है। इसका मतलब ई एफ इज पैरेलल टू क्यू आर, सो ई एफ इज पैरेलल टू क्यू आर बाय कन्वर्स ऑफ बीपीटी, कन्वर्स ऑफ बीपीटी अकॉर्डिंगली ई एफ इज पैरेलल टू क्यू आर।